ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। हाँ जी, तो आपका सवाल था कि परिचय आपकी शिविर कितने किए मैंने और अध्ययन कैसे। हाँ, यात्रा कैसी रही? यही मतलब मेरे यात्रा मतलब ये अध्ययन शिविर और हाँ परिचय जी शिविर हाँ कहते जी हैं। हाँ जी मैंने पहला सोम भैया का शिविर भैया 2014 के शुरू में शायद किया था, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। तो कहीं से मेरे को किसी के पास में सोम भैया के पूरे शिविर की रिकॉर्डिंग थी, मैं उससे हार्ड डिस्क का कॉपी कर लिया। तो ऐसे रोज 1-2 घंटा करके ना, कभी कभी नहीं भी कर पाता, तो मुझे पूरा फरवरी का महीना लगा सोम भैया का शिविर कंप्यूटर पे बैठ के करने के लिए। तो नोट्स वगैरह जैसे शिविर में आप सब भी बनाते हैं, मैं भी बनाया था। फिर एक अजय दायमा जी का किया है ना, और ऐसे जो है मतलब वो थोड़ा अपना इंटरेस्ट बनता था। दिल्ली में मीटिंग्स वगैरह होती थी, अंकित भाई करते थे शनिवार को 1-1 2-2 घंटे की मीटिंग, उसमें भी जाता था। फिर 2015 में सितंबर में ना, ये दिल्ली के शिक्षा विभाग के साथ में सोम भैया का पहला फिजिकल शिविर हुआ। तो वो जो है वो मैंने पूरा का पूरा, जैसे आप सब भी पूरी लगन के साथ में करते हैं, वो मैंने किया। उसके बाद में तकरीबन हर महीने 1-2 शिविर होते रहे यहाँ पे, और हर बार मैं पूरा शिविर करूं ऐसी मुझे आवश्यकता नहीं लगी, लेकिन मोस्टली मैं हर शिविर में ना 1 दिन 2 दिन के लिए पहुंच जाता था। आप भी ऐसा करते ही हैं काफी बार, तो उससे भी एक गति अपने में बनी रहती है। परिवार में भी हरी श्रीमती जी हैं, वो भी चले गए साथ में, बच्चे चले गए साथ में, तो ऐसा लगता है कि सबके कान में ये वाली चीज पड़ती रहती है, तो कुछ ना कुछ इस तरफ ध्यान आकर्षण रहता ही है। मतलब आप लोग जैसे देखिए, मैं तो देखता हूँ आप ये संडे मीटिंग में भी आते हैं सवेरे, इसमें भी एक चीज क्या रहती है कि कई बार पूरे सप्ताह की व्यस्तताओं में जो है ना कुछ ज्यादा समय नहीं मिल पाता, तो ऐसा लगता है कि चलो फिर से थोड़ा सा एक कनेक्ट जो है वो सैटरडे को बना रहे। तो कनेक्ट बना रहे, ये आपकी तरफ से कमिटमेंट है। इससे कोई आगे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता हो सिर्फ संडे की मीटिंग करने से, ऐसा नहीं होता होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। मेरे साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन ये अपनी तरफ से कमिटमेंट रहता है कि ये चीज आवश्यक है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता है ना। ज्यादा लगन से ज्यादा समय जब इन्वेस्ट कर पाऊंगा वो तब करूंगा। इन बिटवीन 2014 के एंड में मैंने जो है वो जॉब भी छोड़ दिया था, फिर मेरे पास में समय ही समय था। 2016 या 2017 में टीचर्स के साथ में यहाँ पर अध्ययन शिविर शुरू हुआ, हापुड़ में 2 महीने में एक बार होता था, तो मैं उन अध्ययन शिविर के सत्रों को भी अटेंड किया। तो मैंने दर्शन की पुस्तकों का अध्ययन जो है वो क्लासरूम में बैठकर किया। में जो है जैसे शास्त्र हैं और वाद हैं, इनमें से काफी पुस्तकें मैंने अपने आप ही पढ़ करके और YouTube पे कोई अध्ययन का सत्र चला रहा है उसके साथ में किया। तो और मेरा एक चीज की तरफ जो है ना वो ध्यान ये बार बार जाता है कि ये जो भी कंटेंट हम पढ़ते हैं ना, इसको मैं रियल लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है सुबह से शाम तक, उससे मेरा कनेक्ट करने का अभ्यास बन गया है। ठीक है, तो वो जो है ना वो मेरे को काफी मतलब अपने में ऐसा लगता है कि उससे मुझे ना अस्तित्व को समझने में, मानव को समझने में काफी मदद मिल रही है। इस सब को आप भी अपने में थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखें कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है सबके साथ में या नहीं हो रहा है, कि सुबह से शाम तक कुछ भी घटना होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये इससे क्या और समझ में आ रहा है, इसमें जीवन क्रिया कहाँ से इन्वॉल्व हो रही है ना, इसमें जो है वो जो धरती पर 4 अवस्थाएं हैं उससे कैसे लिंक होता है। मैं जैसे काफी बार देखता हूँ तो काफी साथी परिचय शिविर में भी और अदरवाइज भी, ये एक सवाल सा रहता है कि आदमी जो है कंप्यूटर की तरह से ही है, तो सुबह आदमी और कंप्यूटर में फर्क नहीं है या कंप्यूटर आदमी से बेहतर है। कई बार जो है ना आदमी में, मानव में जीवन है, ये इस चीज में काफी लोगों को अटकाव रहता है कभी कभी लंबे समय तक। मतलब एक भाषाभास होता है, लेकिन उसको जितनी क्लियरली हम देख पाते हैं उतनी मेरे को लगता है कि अपनी समझने की यात्रा में हमारी गति बनती है। तो अब जब से मेरा ये शुरू से ध्यान गया, तो अब सुबह से शाम तक जो भी घटनाएं होती हैं, जब भी कंप्यूटर का रेफरेंस आता है या मानव का रेफरेंस आता है, तो मैं ये देखता हूँ कि मानव और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। ये मेरा सुबह से शाम तक चलता रहता है। जैसे कल किसी से बात हो रही थी तो उसने किसी ने कह दिया, अरे यार ये मैं भूल गया,
मेरा एकदम से गया। क्या कंप्यूटर भी कभी भूलता है? अगर आपसे पूछा जाए राजीव भाई, अगर रिकॉर्ड जो उसमें रिकॉर्ड रहता है वो तो नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए हमारा मोबाइल है ना, हम कभी कभी इस पे अलार्म लगा देते हैं सवेरे उठने के लिए, तो कभी मोबाइल भूल गया कि भैया चलो आज सवेरे जो है ना अलार्म नहीं बजना, कभी नहीं, मैं भूल गया, कभी नहीं, है ना? तो वो तो मोबाइल में ऐसे अलार्म बजना भूल जाए तो हम कहते हैं कि मोबाइल में मेल फंक्शनिंग हो गई है, मोबाइल जो है ये ठीक से काम नहीं कर। लेकिन मानव के रूप में देखते हैं तो मतलब अच्छा भला आदमी भी कई बार जो है वो चीजें भूल जाता है। तो ये भूलने वाला या याद रखने वाला काम कहाँ होता है, ये भैया है ना? ये अपने में सवाल उठता है, तो है ना, मतलब इसको इसको देखा जाए। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो है ये याद रखने वाला काम जो है वो जीवन जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसको याद रखता है, बहुत बढ़िया, सही बात, है ना? सही बात। तो ऐसा कंप्यूटर वगैरह में या मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं। तो इसी तरह से जैसे कभी किसी ने कह रहे मेरे को डर लगा, तो मेरे को एकदम से सवाल गया, कभी ये पुरानी बात है, क्या कंप्यूटर को भी डर लगता है नहीं, कुछ उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं। ना? तो हम ना बच्चों से भी चर्चाएं करें, अपने घर में भी चर्चाएं करें, ये बड़े अच्छे अच्छे ना व्यवहारिक प्रैक्टिकल मुद्दे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, कि मानव और कंप्यूटर में क्या अंतर है ना। काफी बार तो लगता है कि भैया वो कंप्यूटर को रेफरेंस लगते हैं, अरे वो उसका तो दिमाग कंप्यूटर जैसा, ऐसा लगता है कि मानव उस कंप्यूटर बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो तो जड़ वाली बात हो गई भैया। हाँ, वो तो पदार्थ अवस्था ही है, तो मानव को कंप्यूटर रेफरेंस में नहीं रखना है, मानव को तो कंप्यूटर से बेहतर चीज है, उसको तो उससे भी आगे जो है वो बढ़ने की संभावना है और बढ़ना भी है। मत तो ये जो भाव वाला पक्ष है ना जो फीलिंग्स वाला पक्ष है, ये पदार्थ अवस्था में नहीं रहता। तो ये जो है ना भैया, मतलब आप जो कह रहे हैं कि अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक जो घर में मित्रों से संवाद हो रहे होते हैं, जो भी दिख रहा है, जो भी सुन रहा है, उसको हम इसके साथ में लिंक करते रहते हैं। मेरे को काफी लाभ हुआ भैया इसके साथ। आपने पॉइंट्स तो कर लिए कि ऐसा ऐसा जीना है, तो उस तरीके में कैच करने लगे आप, वही हो गया तो इंटरेस्ट बना रहे थे भैया, इस तरफ इंटरेस्ट रुचि है, तो बल इसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, फिर सही बात, सहजता से ही होता रहता है। तो ऐसा मेरे साथ में मैं होते हुए अच्छे से देखा, बहुत ही बढ़िया। केशव भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, याद रखना जो है वो जीवन का काम है कि मेमोरी में ब्रेन में रहता है? तो आप सोचिए, अब देखिए अभी डिस्कशन में मुद्दा आया ना, इसको आप ध्यान में रखिए, आप ध्यान में रखिए, आप सोचिए, ये शोध का विषय, इसी को कहते हैं शोध भैया। ये जो है ना, मतलब अब मैं बता दूंगा और आप समझ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। जब तक आप इसको अपनी जिंदगी में वेरीफाई नहीं कर लेते, तब तक जो है ये बताने से नहीं पहुंचेगा। तो बताने से ध्यान आकर्षण होता है, पूरा का पूरा जीवन विद्या का जो कंटेंट है ये प्रस्ताव रूप में है, कि ध्यान आकर्षण किया गया कि ऐसा होता है, ठीक है, और उसके बाद में आप उसको वेरीफाई करते हैं, तभी आपका उसके ऊपर पूरा अधिकार बनता है। तो मैंने जब इस पे शोध किया ना भैया, तो और जो भी सूचनाएं वगैरह मिली, तो उसमें दो तरह की चीजें मेरे ध्यान में आई। एक है घटनाओं के रूप में किसी चीज को याद रखना, ठीक है, ठीक है भी। तो घटनाओं के रूप में याद रखने में काफी सारा काम जो है वो ब्रेन का है। तो हम काफी बार ऐसा देखते भी हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं, और हमारे परिवारों में भी कई बार, मित्रों में कहीं दिखता भी है, किसी को सिर पे चोट लगी और उसकी याददाश्त भूल गई, ठीक है। तो अब सिर पे चोट लगी तो ब्रेन पे ही लगी, इतना समझ में आता है, ठीक है। लेकिन एक एक ना संस्कार पक्ष है जीवन में, तो वो संस्कार पक्ष ब्रेन से परे है। मतलब आदमी को सिर पे चोट लगी और आदमी का आचरण बदल गया, ऐसा कभी सोच के देखो। जी जी नहीं होता, नहीं होता भैया, है ना? अभी सोचा नहीं बारे में भैया। हाँ, है ना? तो आदमी बहुत अच्छा आदमी था, सिर पे चोट लगी और खराब आदमी हो गया, या बहुत खराब आदमी था और यू नो सिर पे चोट लगी और अरे वो तो साधु बन गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसको घटनाएं। तो ये जितना जीवन में 4.5 क्रिया और 10 क्रिया का अंतर है ना,
इसमें पूरी की पूरी बात कह क्या रहे हैं कि ये जो 4.5 क्रिया है ये इंद्रिय गोचर संसार तक, भौतिक रासायनिक संसार तक सीमित है। हम ठीक जितना है जी, 4.5 क्रिया में रहते हैं उतना ही हमको दिमाग के बारे में ज्यादा पता रहता है, और दिमाग पे किसी चीज का क्या असर होता है ना, दिमाग में कोई मेमोरी वाला पार्ट है उतना हमारे को क्लियर हो जाता है। एक संस्कार पक्ष रहता है जो दिमाग से भी परे, ठीक है, तो उसको वो जीवन में था। हाँ, वो जीवन 4.5 भी जीवन में ही है भैया, लेकिन 4.5 इंद्रिय गोचर संसार है और 4.5 से आगे वाला जो है वो ज्ञान गोचर संसार है जी भैया, ना। तो सारा संस्कार पक्ष जो है ना, जो जितनी भी नॉन फिजिकल रियलिटीज है, वो सारी सच्चाइयां जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती, और आदरणीय नागराज जी ने बार बार कहा है कि मानव का जो जो जीने का महत्वपूर्ण भाग है वो 4.5 क्रिया से आगे ही है, वो ज्ञान गोचर ही है ना। मानव जितना इंद्रिय गोचर संसार में फंसा रहता है उतना भ्रमित है। तो इसका मतलब भी अपन इसको दो बार दो तरह से देख सकते हैं कि जो प्रकृति से जो चीजें जुड़ी हुई है, जो जड़ता से या जो इंद्रियों में दिखाई देती है, वो ब्रेन पक्ष का भाग हो गया, और जो जो दिखाई नहीं देती है ना, जो मूल्य हैं और हैं, बिल्कुल वो संस्कार का भाग है, बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल संस्कार वाला भाग है वो जीवन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के साथ में फिर बाबा जी ने एक चीज बोले, भौतिक रासायनिक संसार में भी हर वस्तु का प्रयोजन होता है, जी, तो वो प्रयोजन भी समझ में आना जो है ये भी चिंतन का विषय है, ये भी 4.5 से आगे वाला बात है ना, ये साक्षात्कार से शुरू होता है। तो हाँ भौतिक वस्तु है, उस भौतिक वस्तु को कैसे यूज करना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसका पर्पस क्या था अगर ये समझ में नहीं आया, है ना। तो आदमी ने कार बना ली, हवाई जहाज बना लिया, एयर कंडीशनर बना लिया, कपड़े बना लिए, मोबाइल लैपटॉप सब बना लिया, इन सब का पर्पस क्या था अगर ये समझ में नहीं आया तो भी आदमी गलती करता है, फिर पूरा धरती का विनाश जो है वो इसीलिए हो रहा है। जी भैया, तो मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ, जैसे कार का आपने उदाहरण लिया, तो कार की को चलाने का जो ड्राइव करने का जो एक एक सिस्टम है, वो याद रखना काम वाला जो, तो ब्रेन का हो गया, वो साढ़े लेकिन चार उस क्रिया में 4.5 क्रिया हो गया, लेकिन उसके माध्यम से मुझे कहाँ जाना है ये मैं तय करता हूँ, हाँ, मैं तो करना क्या है कार और का, करना क्या है, कार पर्पस हाँ क्या है मतलब उसका। हाँ कार का पर्पस क्या है, मतलब ये जी एक जी बात जी समझ में आता है, लैपटॉप बढ़िया। का पर्पस क्या है, मोबाइल का पर्पस क्या है ये देखा जाए। और मेरा काफी बार ध्यान आता है भैया, सुबह से शाम तक अगर मेरे को 100 मैसेज आते हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस 100 में से काम का मैसेज कोई एक ही होता होगा, एक दो तो है। हाँ हाँ ठीक बाकी तो भैया, वो चुटकुले आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा हिंदू है, मुस्लिम आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस आ स्माइलीज रहे दी जा रही हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, मतलब बस यही जो है वो हैं। पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे हो बिल्कुल रहा है, मतलब है बिल्कुल ना। तो टेक्नोलॉजी बन गई, ये 4.5 क्रिया का काम था, अब वो 4.5 से आगे वाला जो काम है वो समझ कर, ये टेक्नोलॉजी का करना क्या था ये जो जी है, भैया। ये इस तरफ और ध्यान। ये भैया, इस सोशल मीडिया के समय में जब इतना वातावरण, जो 100 मैसेज में से एक दो काम के आते हैं, इस दौर में जो है आप भी 1 घंटा अपना दे पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू भैया, अरे तो आदरणीय कृतज्ञ। नागराज जी ने अपनी जिंदगी लगा दी इसके लिए, तो हमें तो अपनी हाँ जिंदगी मिल रही है, हम भी देखते हैं सब कुछ आपके साथ में चर्चा करते हैं, सब मिलजुल कर भैया ये जो है ये समझ के रास्ते पर आगे बढ़ पाए। मुझे लगता है कि प्रयोजन तो मानव जाति का यही है, जागृति ही जो है वो चाहिए, परम लक्ष्य जी। इंडिविजुअल के लेवल पे भी चाहिए और समाज के लेवल पर भी चाहिए। तो जी भैया, एक बार ध्यान नहीं, उन जाता सबसे फिर हम बचे रहते हैं, उनका फिर प्रभाव बिल्कुल नहीं रहता है, जैसे संडे को ये थोड़ा डोज मिल जाती है, फिर वो नेगेटिव जो अप्रोच है उसका फिर फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव मैसेज का। थैंक चलिए यू भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया, आगे बढ़े, आज का पढ़ाई शुरू करें। जी भैया, जी भैया, मैं इसको खोल लेता हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिए। तो मुझे जहां तक मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, पिछले संडे को मैं नहीं था, तो इसका चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज पढ़ा गया था शायद, ठीक बात है ये, आप लोग कुछ जी बताएं। जी भैया, एक पेज हुआ था। मैंने इसको शेयर भी कर देता हूँ साथ साथ। लास्ट पैरा से शुरू है। तो ये जो है ये 3 तरह से बेसिकली पूरी पुस्तक जो है ये 3 चैप्टर्स में है। तो ये 2nd चैप्टर जो है पेज नंबर 49 से शुरू है, जीवन विद्या एक परिचय का। तो इसमें थोड़ा जीवन क्रिया के बारे में
भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो ये फर्स्ट पेज तो मोस्टली इसी का ही था। तो मन का दो कार्य रूप है, चयन आस्वादन, ये फिर 10 क्रियाएं बताई। तो बिल्कुल एक हल्का सा रिफ्रेश करते हुए कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ठीक है। जीवन जो है वो भ्रमित या जागृत होता है, तो हम चाहते हैं कि मानव का आचरण सही हो, तो इसके लिए जीवन की तरफ ध्यान जाता है। तो ये पता चलता है कि जीवन को 4.5 क्रिया से 10 क्रिया तक क्रियान्वित करता है। 4.5 क्रिया में हर मानव का जीवन जो है वो एक्टिवेटेड है, इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन 4.5 क्रिया में जीते हुए जो है वो उसको अमानवीयता में जीता हुआ कह रहे हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं हो पाता है। अमानवीयता में मानव या तो पशु मानव होता है या राक्षस मानव होता है, ठीक है। तो जो जो चलाता है, बाबा जी ने कहीं से बाद में बोला, जो चलाता है वो राक्षस मानव, जो चलता है वो पशु मानव, जो शोषण करता है वो राक्षस मानव, जो जिसका शोषण होता है वो पशु मानव। तो दोनों ही जो है वो अमानवीयता वाली स्थिति है, मतलब। तो जागृत मानव जो है फिर वो स्वायत्त मानव के रूप में जो है हम उसको पहचान पाते। तो ये 10 क्रियाओं की तरफ ध्यान जाता है। तो जीवन है, फिर जीवन पे काम करना है, ये स्वयं की स्वयं के प्रति उपयोगिता है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था। अंशु जी ने हैंड रेज किया है, पता है अंशु? नमस्ते भाई साहब, स्वायत्त हुआ, स्वायत्त का मतलब? स्वायत्त जो है मतलब वो देखेंगे, पहले भी आया है इस पुस्तक में, आप मतलब थोड़ा सा देखिए। तो स्वायत्त मानव एक तरह से वो जागृत मानव को ही स्वायत्त मानव बोला है, उसके 5 लक्षण बोले हैं, वो फिर से आएंगे आगे भी, तो जब आएंगे तब उस पे कवर कर लेंगे भाई जी। तो अभी के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जागृत मानव को ही स्वायत्त मानव, मतलब वो एक तरह से आत्मनिर्भर रहता है, ऐसा कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भौतिक सेंस में नहीं, समझ के लेवल पे आत्मनिर्भर रहता है, विश्वास के लेवल पे आत्मनिर्भर रहता है, सुख के लेवल पे आत्मनिर्भर रहता है। तो इतना हो गया, ये भ्रमित मानव हो गया। तो इंद्रिय संवेदना को जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए, इसका नाम जो है वो भ्रमित जीवन है। बस इतनी जो है वो बात कही। अब यहाँ से शुरू करना है ऐसा बता रहे हैं, तो पढ़ लें, कोई आप ही में से कोई पढ़े इसको 1.5 पेज और फिर उस पर चर्चा भी कर लेंगे। भैया मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। आप पढ़िए पढ़िए भैया। 5 संवेदनाओं और 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है। इसी में मानव पशु व राक्षसत्व जीता है। मानव रूप में जीना केवल 4.5 क्रियाओं से बनता नहीं, उससे संतुष्टि होती नहीं। अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती नहीं है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सटीकता से एक दूसरे के तालमेल से कार्य करते रहते हैं। यदि इससे इसमें से हाथ काम ना करता हो, पैर ना काम करता हो, तो लूला लंगड़ा ही कहेंगे, उसको स्वस्थ आदमी कहेंगे नहीं। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिए। आगे की क्रिया व्यवहार से में प्रमाणित होती है, यही जागृति का आधार है। यह जानने मानने की विधि से ही होगी। मानवेतर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है, नियम के अनुसार कार्य करता है, इस विधि से व्यवस्था है। संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है वह जीव संसार में पूरा हो जाता है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बनती है। अस्तित्व में निष्प्रयोजन की कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुरूप
चिंतन चित्रण संपादित करना शुरू करता है। उसी आधार पर तुरंत विश्लेषण और चयन आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यमान मान करके हर विचार योजना को तैयार करते हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं, वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है, जिसमें जीव वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया, आप सबको विदित है। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए, ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है, उसमें धरती तंग हो गई है। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं, उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बातें की हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है, इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए, पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष में 4 बार समीक्षा होती है, पुनः विचार पुनः समीक्षा, किंतु आज तक यह तय नहीं हुआ कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होनी चाहिए। बस राजीव भाई रुक जाते हैं यहाँ पे, पहले बात कर लेते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने शुरू किया। तो जो हमने पहले बात कर ली थी वो एक्चुअल में यहाँ पर आ भी गई है, वही चीज, 5 संवेदनाओं और 4 विषयों को, है ना। संवेदना मतलब ये जिनको हम इंद्रियों से कह रहे हैं ना, इंद्रिय गोचर संसार जो है, जिनको 5 senses कहते हैं, ये देखना सुनना और ये सारा जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। 5 संवेदना और 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है ना। ये 4.5 क्रिया से ये सब हो जाता है, 5 संवेदना और 4 विषय के अनुसार आदमी का जीना। इसी में मानव जो है वो पशु मानव की तरह से या राक्षस मानव की तरह से जीता है। तो मानवत्व रूप में जीना केवल 4.5 क्रिया से नहीं बनता है। तो ये पशु मानव और राक्षस मानव बन गया, लेकिन एक्चुअल में जिसको मानव कह रहे हैं वो मानव वाला काम 4.5 क्रिया में नहीं बनता है, ये कह रहे हैं। तो 4.5 क्रिया में जीते हुए संतुष्टि नहीं होती है ना। 4.5 क्रिया में जीना मानवत्व के साथ में होता नहीं है, और मानवत्व के साथ में नहीं जी पाते। दूसरा मानवत्व के साथ में नहीं जी पा रहा, जीता और गलतियां करता है, और उसकी गलतियों से फिर हम सब पे भी असर पड़ता है, उससे भी संतुष्टि नहीं होती, और कभी हमसे भी गलती होती है तो हमको उससे भी पीड़ा रहती है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है देखने वाला, मेरा जब इस पे ध्यान गया तो एक समय तक ऐसा रहता है, कभी ये सब अपने में वेरीफाई कर सकते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि दूसरे गलती कर रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है। ध्यान जब समझने की तरफ जाता है तो मैं भी कभी कभी गलती करता हूं, इस तरफ ध्यान जाता है तो आत्म सुधार का काम जो है वो शुरू होता है। नहीं तो काफी बार इस भ्रम में जिंदगी बीत जाती है कि जितना सुधरने का काम करना है वो दूसरों ने ही करना है, मैं तो ठीक ही हूं, तो मैं तो ठीक ही हूं को बार बार मूल्यांकन करके देखा जाए तो जितना क्रिटिकली हम दूसरों के व्यवहार का एनालिसिस करते हैं ना, उतना ही जब अपनी तरफ ध्यान जाता है तो उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती। तो अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है, यही करें, इन 10 क्रियाओं को ही एक्टिवेट करना है। ये जीवन क्रिया जो है, मतलब ये इस चैप्टर का नाम ही जो है वो जीवन का स्वरूप है। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर को हम अच्छे से समझते हैं, जितने अच्छे से हम शरीर को समझते हैं उतने ही अच्छे से हम जीवन को भी समझ पाए, ये काम करना है।
ना, इसको बार बार ये भी अपने में वेरीफाई करने की जरूरत है, हम शरीर के बारे में मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स कितना समझते हैं। तो बड़ी आसानी समझ में आता है, हमारे घर के बच्चे भी हैं, उनको भी शरीर में आंख है, दांत है, कान है, पूरा शरीर है ना, और भी बड़े सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ शरीर के अंदर है, हार्ट है, किडनी है, ये दिखता नहीं है लेकिन शरीर के अंदर है। हम इन सब के बारे में अवेयर हैं, सुबह से शाम तक हम फिजिकल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, है ना, खाने पीने का घर में ध्यान रखा जाता है कि भैया शरीर के लिए, हार्ट के लिए, पेट के लिए, कौन दांतों के लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है। ये सारा हम शरीर मूलक विधि से जीते हुए, शरीर को घर का बच्चा भी अच्छे से समझता है और बड़े तो समझते ही हैं, ये जीवन वाले पार्ट को भी हम समझ पाए इतनी ही स्पष्टता से, ये जीवन विद्या शिविर का और जीवन विद्या के कॉन्टेंट का पर्पस है। तो ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, और इनमें हर एक में जो है वो दो दो क्रियाएं जो रहती हैं, इसको मेरा एक मन करता है कि जब भी हम ये बातें करें तो इसको जो है ना हम एक बार देख जरूर लिया करें। इसको देखने से जो है वो थोड़ा क्लियर रहता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे एक सेकंड का समय दीजिए, मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर आसानी से मिल जाए तो। ये दिख रही है ये वाली स्क्रीन, पावर पॉइंट वाली देव भाई, ये अभी पीडीएफ ही दिख रहा है? पीडीएफ ही अभी, अभी तो अभी पीडीएफ ही, मैं बदलता हूँ फिर इसको। अब आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये जीवन क्रिया में ना ये बेस डायग्राम है, मतलब इसको हमको सबको अच्छे से समझना है अगर हम ये मध्यस्थ दर्शन के कंटेंट को, जीवन क्रिया, जीवन के मतलब जीवन विद्या के कंटेंट को समझना चाहते हैं। तो जीवन क्या है, ये लेफ्ट साइड पे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा लिखा है ना, फिर बीच के जो दो कॉलम्स हैं ये जीवन में होने वाली 10 क्रियाएं हैं। तो मन में आस्वादन और चयन, वृत्ति में तुलन और विश्लेषण, चित्त में चिंतन या साक्षात्कार और साथ में चित्रण, बुद्धि में बोध और संकल्प, और आत्मा में अनुभव और प्रमाणिकता। ये वाले शब्द बार बार इस चैप्टर में आएंगे, तो मुझे लगा कि एक बार हम इसको अपने सामने भी रख लें। ये वाली क्लियरिटी ना, ये जीवन का स्वरूप जब हम कह रहे हैं, ये हमारी क्लियरिटी बनी है। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में अपने एक्शंस को, अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उन उन उनको भी, उनके बारे में भी एनालाइज करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए देख पाऊं कि जीवन का वर्किंग कैसा है। कोई व्यक्ति ठीक कर रहा है तो ठीक करने में भी जीवन का वर्किंग पिक्चर में आ रहा होगा, और कोई गलतियां कर रहा है तो भी जीवन का वर्किंग जो है वो मतलब इट्स प्लेइंग ए रोल। इसी तरह से मैं भी ठीक करता हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ, है ना। तो हम ये जीवन के वर्किंग को समझ पाए, जीवन के स्वरूप को समझ पाए। तो ये जीवन का स्वरूप है, इसमें से हर एक के बारे में, हर एक पॉइंट को हम रोजमर्रा की जिंदगी में रिलेट करते हुए जितना देखते हैं उतनी हमारी अपनी क्लेरिटी जो है वो इस पे बनती है। तो मुझे लग रहा था कि इस डायग्राम को एक बार जो है वो सामने रख के फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति, ये जो है इसको मतलब ये, तो ये 10 क्रियाएं मुझे लगा एक बार सामने रख लेते हैं क्योंकि इनकी चर्चा बार बार हो रही। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती है ना, कि कुछ कुछ कर रहा हूं, कुछ कुछ नहीं कर रहा हूं, तो उसमें यही मतलब हो गया कि पूरा काम तो नहीं हो रहा है ना। तो हम किसी भी अदरवाइज भी किसी चीज को देखें तो ऐसा कहें कि भाई कोई चीज थोड़ा काम कर रही है, थोड़ा काम नहीं कर रही है, तो उसको स्वस्थ हम नहीं कह पाते। ये बाबा जी ने इसी पैराग्राफ में आगे एग्जाम्पल के रूप में दिया भी है, थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शरीर स्वस्थ है, तो शरीर स्वस्थ है इसको हम कैसे पहचानते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां सटीकता से
एक दूसरे के साथ तालमेल से कार्य करते हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच कर्मेंद्रियां हैं शरीर में, ये सब एक दूसरे के साथ में परफेक्ट हार्मोनी के साथ, एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ में कार्य करते रहते हैं। इनमें से हाथ काम ना करता हो या पैर ना काम करता हो तो फिर हम यही कह पाते हैं कि भैया शरीर स्वस्थ नहीं है। तो शरीर की स्वस्थता को हम समझते हैं, तो इसी तरह से बाबा जी ने, अब यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इसको हम मतलब समझ पा रहे हैं कि बाबा जी कहना क्या चाह रहे हैं, ये सब होता है तो इसको स्वस्थ आदमी कहेंगे। ठीक है, अगर हाथ पैर ना काम करता हो तो उसको स्वस्थ आदमी नहीं कहेंगे, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो सिमिलरली जीवन के भी 10 क्रियाएं हैं, वो 10 की 10 पूरी काम करेंगी तो बाबा जी ने एक शब्द यूज किया आदरणीय नागराज जी ने, मन स्वस्थता। तो जैसे शरीर की स्वस्थता है वैसे ही जीवन की स्वस्थता है। तो जीवन की स्वस्थता 10 क्रियाओं के एक्टिवेट होने से ही मन स्वस्थता आती है। सिर्फ 4.5 क्रिया में काम कर रहे हैं 10 में से, तो उसका यही मतलब हुआ कि जैसे शरीर भी आधा काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा तो उसको अस्वस्थ कहेंगे, तो जीवन भी अगर 4.5 क्रिया में जी रहे हैं तो उसको अस्वस्थ ही कहेंगे। तो सारी गलतियां जो है वो जीवन की अस्वस्थता के कारण हो रही है। तो ये उदाहरण के रूप में कहा आदरणीय नागराज जी ने कि सभी 10 क्रियाओं को ही व्यवहार में प्रमाणित करने से काम चलेगा। मैं 4.5 से आगे बढ़ गया, 5 तक पहुंच गया, 6 तक पहुंच गया। कई बार ऐसे सवाल आते हैं भाई अब मैं 7-8 तक पहुंच गया, कैसे पता चलेगा कितना आगे चल रहे हैं। तो यही है कि जैसे शरीर भी पूरा स्वस्थ होता है तभी लगता है कि ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 10 तक ही पहुंचना है, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में। हाँ जी केशव भाई, ये जो 10 क्रियाएं हैं इनको थोड़ा सा उदाहरण से बता देंगे कि कैसे कैसे ये मन में, वृत्ति में, चित्त में, बुद्धि में, आत्मा में कैसे कैसे होता है। हाँ, तो काम करेंगे। हाँ, तो फ्लो में आएगा। और ये जीवन क्रिया का ना एक्चुअल में काफी लंबा टॉपिक रहता है, तो आप ऐसा अपेक्षा ना करें कि अभी मैं 10 मिनट में उसको उदाहरण देके जीवन क्रिया को कवर कर दूं। ये जब हम करते हैं तो ये मतलब शिविर में भी ये कम से कम 4-6 घंटे का टॉपिक जो है वो रहता है जीवन क्रिया को अच्छे से कवर करने के लिए। तो आप भी शिविर तो किए ही है ना भैया? जी भैया, जी भैया। तो अभी शिविर में हूँ। ठीक है, ठीक है, भिलवाड़ा भी चल रहा है। अच्छा, बढ़िया, शिक्षा गोष्ठी में। ठीक है, तो मतलब इसको ना जैसे फ्लो में आएगा तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा करने की। अभी अभी जो है रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के हिसाब से चलते हैं। ओके ओके भैया। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ में जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक दो सेशंस पहले भी चर्चा की थी कि ये जानना मानना और पहचानना निर्वाह करना, ये भी 4 शब्द जो है ना, ये की वर्ड्स हैं मध्यस्थ दर्शन के, काफी महत्वपूर्ण हैं। इनको भी हम अच्छे से सेट करते हुए चले, और मेरे को अच्छे से याद है राजीव अग्रवाल भाई ने कहा भी था जब ये 2-3 सेशन पहले बात हो रही थी कि भैया अब इसकी स्पष्टता थोड़ी थोड़ी बन रही है। तो ये जानना मानना पहचानना निर्वाह करना है ना, तो जानने मानने की क्रिया को पहचानने निर्वाह करने के साथ में हम जोड़ना है, ये काम करना है। जब तक ये नहीं हो पाता तब तक जागृति नहीं हो सकती, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रियाविधि के साथ ये 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित किए, आगे की क्रिया व्यवहार में प्रमाणित होती है, यही जागृति का आधार। तो संवेदनशीलता के आधार पर संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने तक जब हम जी रहे हैं तो वो 4.5 क्रिया तक है। आगे का काम जो है वो जागृति का बेसिस बनता है। यह जानने मानने की विधि से ही होगा। मानवेतर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है। तो मानवेतर संसार मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मानव को छोड़कर अस्तित्व में बाकी जो कुछ भी है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, इसको मानवेतर संसार बोला। ये सब जो है ये पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है, इसका आचरण निश्चित है, इसी को कह रहे हैं नियम के अनुसार कार्य करता है। इस विधि से इनमें व्यवस्था है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था ये अपने आप में व्यवस्थित है ना, इस चीज को हम बार बार
इन सेशंस में भी कहते हैं और शिविर में भी कहते हैं, और मुझे लगता है कि जब भी मौका मिले इसको रीइन्फोर्स करते रहें। इस धरती पर भी कई जगहें ऐसी हैं जहां तक मानव नहीं पहुंचा है या कम पहुंचा है। तो काफी बार जो है ना, कोई व्यक्ति कहीं पर ऐसे होकर के आता है और उसको लगता है यार ये तो इतना रिमोट जगह थी, वहां पे तो कोई आदमी नहीं था, नेचर ना बड़े ब्यूटीफुल तरीके से हमने देखी, है ना, मजा आ गया देख के। ऐसे शब्द जो है हमको अक्सर सुनने में मिलते ही हैं। काफी बार कई साथी भारत में या विदेशों में ऐसे घूम कर आते हैं कि भैया जहां तक पहुंचना मुश्किल है, मतलब आदमी नहीं पहुंच पाया है, तो वहां पर नेचर अपने ओरिजिनल रूप में बड़ी ब्यूटीफुल रूप में हमको देखने को मिली। इसी को व्यवस्था कह रहे हैं। तो जहां पर आदमी नहीं पहुंच पाया वहां पर पदार्थ तो है ही, है ना, पेड़ पानी पत्थर ये सब तो है ही, मिट्टी वगैरह है ही। पेड़ तो फिर प्राणावस्था में आ गया और फिर जीवावस्था में पशु पक्षी वगैरह भी आ गए। तो मानव नहीं पहुंचा वहां पर व्यवस्था है, और जहां जहां मानव पहुंच गया वहां पर क्या हो गया, वहां पर अव्यवस्था हो गई अभी। और जहां जितने ज्यादा मानव है वहां उतनी ज्यादा अव्यवस्था। बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में तो अभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो कैसा भी ऐसा फिर शब्द यूज करते हैं तो कंक्रीट जंगल बन गया, है ना। अब यहाँ पे जो है वो पॉल्यूशन रहता है ना, हम हापुड़ तक ही चले जाते हैं दिल्ली से 50 किलोमीटर बाहर तो एकदम से लगता है कि सांस में सांस आए, ठीक है। खाने पीने की चीजें जो है वो वहीं से अपना शुद्ध जो है वो मिल रही है, गाय भैंस रखी हुई है। अभी दिल्ली में क्या हो गया, अभी गाय भैंस रखना ही गैर कानूनी है। तो जो जो संतुलन है चारों अवस्थाओं का, अब हम लोगों ने ऐसा अपने जीने के मॉडल बना लिए, इनको हम बार बार समीक्षा करके देखें कि शहरों में तो एक अवस्था ही हमने एलिमिनेट कर, है ना, जिसको जीव अवस्था कह रहे हैं, जो बस छोटे मोटे पशु पक्षी हैं बस वही घूमते रहे और बाकी जो है ये मतलब ये जो है इनको हमने गैर कानूनी जो है वो घोषित कर दिया। ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में सबको गाय भैंस घोड़ा रखने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन ये देखा जाए कि जीने का जो मॉडल है इसमें जो जो प्रकृति का एक संतुलन था वो संतुलन जो है वो बाधित हो रहा है, उसमें अड़चन आ रही है, ये हमको क्लियर है। तो बाकी तीनों अवस्थाएं जो है वो नियम के अनुसार चलती है, इस विधि से व्यवस्था और बड़ी ब्यूटीफुल व्यवस्था है, ठीक है। ये मानव के ही समझ में कमी है, यही जो है मूल मूल जो बिंदु है, मतलब जो करने लायक काम है पूरा मध्यस्थ दर्शन का। तो समझ में क्या कमी है, तो बाहर भी समझ में नहीं आया और अपने आप को नहीं समझा। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, शरीर समझ में आया है, जीवन समझ में नहीं आया, उसी को समझ रहे हैं। तो नियम के अनुसार कार्य करने के लिए, मानव को व्यवस्थित होने के लिए जीवन का अध्ययन जो है वो आवश्यक, और इसको बाबा जी ने बार बार मूल्य शिक्षा के साथ में लिंक भी किया है कि ये जीवन वाला कंटेंट जो है ये एजुकेशन में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर बच्चा 20 साल एजुकेशन में लगा रहा है, उसमें हम सिर्फ उसको शरीर मूलक विधि से जीना जो है वो सीख, मानव का एक शरीर है उसको ब्रेन चलाता है, सिर्फ इतना ही हम पूरी शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो एक जीवन वाला पार्ट है, सुखी या दुखी जीवन होता है, है ना, शरीर सुखी या दुखी नहीं होता, ब्रेन सुखी या दुखी नहीं होता, जीवन सुखी या दुखी होता है। तो मैं सुखी या दुखी होता हूं ये तो हर बच्चा भी समझता है, हर बड़ा भी समझता है, या ये सुखी या दुखी होने वाली इकाई क्या है, इसके ऊपर हम पूरी एजुकेशन में चर्चा तक नहीं कर पाए। हम सब भी एजुकेशन से गुजरे ही हैं, है ना, तो हम भी अपने में देखें कि ये वाली चीज जो है वो मिसिंग। तो व्यवस्था कैसे आएगी, मानव का स्वरूप समझकर, और फिर मानव के स्वरूप समझते हैं तो फिर ये जो जानना मानना जो है ये पूरा होता है। इसके बिना सिर्फ पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, ये तो बाकी तीन अवस्थाओं में भी हो ही रहा था, मानव को इससे आगे बढ़ना, ये जानने मानने तक जाना। तो या इसको आगे देखते, संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा मतलब जो अल्टीमेट है संवेदनशीलता पूर्वक जीने का, वो जीव संसार में पूरा हो जाता है, है ना। उनमें भी 5 इंद्रियां हमको दिखती ही है ना, ज्ञानेंद्रियां नहीं कहेंगे लेकिन जो हमारा ये देखना सुनने वाला जो काम है। तो संवेदनशीलता पूर्वक जीने का जो अल्टीमेट मतलब लिमिट है
वो तो जीव संसार में भी पूरा हो जाता। यदि संवेदनशीलता ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही ना पड़ती। अस्तित्व में धरती पे मानव की क्या जरूरत है, जो काम संवेदनशीलता तो पशु पक्षियों में भी आ गई। तो बाबा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अस्तित्व में बिना प्रयोजन के कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा हुआ है। हर अवस्था का एक मीनिंगफुलनेस है, उसका एक पर्पज है, उसकी एक उसका एक अर्थ है, उसका एक मतलब है। उस मतलब तो मानव होने का मतलब क्या है ना, मानव का अर्थ क्या है, ये समझ में आता है तो फिर मानव मानवीयता पूर्ण जीवन। तो सार्थकता क्या है, व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। तो आचरण में भी व्यवस्था हो और पूरी समग्र व्यवस्था को हम समझते हैं तब उसमें हम भागीदारी कर पाते हैं। नहीं तो व्यवस्था अव्यवस्था का ही अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम अपने में, तो कई बार अव्यवस्था में ईमानदारी से मेहनत से भागीदारी करते हुए हम अव्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगे रहते हैं। तो हम क्लियरली देख पाए कि व्यवस्था क्या है और अव्यवस्था क्या है, ये क्लियरिटी जितने अधिक मानवों में बनेगी उतना व्यवस्था की तरफ मानव जाति आगे बढ़ता है। जीवन जब जागृत होता है तो अनुभव और प्रमाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है। अब ये 10 क्रियाओं में सबसे ऊपर जो था ये अनुभव और प्रमाणिकता आया। तो बाबा जी उसको जीवन क्रिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जीवन जब जागृत होता है तो सबसे ऊपर से अनुभव और प्रमाणिकता मूलक मतलब उसको बेस में रखते हुए बोध और संकल्प होता है। फिर उस बोध और संकल्प के अनुरूप चिंतन और चित्रण होता है। फिर उसके उसके आधार पर तुलन और विश्लेषण होता है और उसके आधार पर चयन और आस्वादन होता है। इसको फिर से मैं वो वाली स्लाइड रखता हूँ ताकि हम बार बार जो है ना उसके साथ में हम रेफर कर पाए। डायग्राम देखने से अच्छा रहता है। अनुभव और प्रमाणिकता, अब ये स्लाइड आ गई। अनुभव और प्रमाणिकता के आधार पर बोध और संकल्प, उसके आधार पर चिंतन और चित्रण, उसके आधार पर तुलन विश्लेषण और आस्वादन चयन। ये जागृत जीवन में जीवन का जो कार्यकलाप है वो इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो अनुभव से। तो अनुभव संपन्न होना है, जागृत होना है मतलब अनुभव संपन्न होना है। खुद को पूरा समझना है, अस्तित्व को पूरा समझना है। या कई बार ये शब्द सुनने से ऐसा लग सकता है कि भैया पूरा अस्तित्व कैसे समझ सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा है। तो ऐसा बड़ा भी नहीं है, उसको हम बार बार हम देखते ही हैं कि कंटेंट काफी कम है। एक बार हमारा उसकी तरफ बस ध्यान चला तो ये फिर से इन दो तीन लाइनों में पूरा जीवन क्रिया जो है वो आदरणीय नागराज जी ने रख दिया अनुभव मूलक विधि से जीते हुए। अब क्या कह रहे हैं, फिर से 4:30 में आ रहे हैं। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार हर योजना को तैयार कर, तो अभी अभी जो है ना सबसे बढ़िया चीज भ्रमित अवस्था में क्या मानी गई है कि संवेदनशीलता माना है ना। संवेदनशीलता के को प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण के रूप में देखें तो हम किसी किसी को देखते हैं कि उसके पास में खाने को भोजन नहीं है तो हमने उसको खाना दे दिया। या परंपरा में काफी इस तरह के ट्रेडिशंस बने हुए हैं कि लंगर लगा देना है ना, भंडारा लगा देना, प्याऊ लगा देना। मतलब क्या हुआ कि किसी को भूख या प्यास है और उसके पास में अपने साधन उपलब्ध नहीं है तो हमने उसको ये साधन उपलब्ध करा दिया, उसकी भूख प्यास का अरेंजमेंट कर दिया। किसी के पास में बच्चे की फीस के पैसे नहीं है तो हमने फाइनेंशियल मदद कर दी ना। किसी के पास में कपड़े कंबल नहीं है तो उसको कपड़े कंबल जो है वो बांट दिया। ये सब जो है ये संवेदनशीलता कह रहे हैं कि मेरे पास में साधन है और दूसरे के पास में साधन नहीं है तो उसको भी साधन दे दिए जाए, बेशक टेम्परेरीली ही दे दिए जाए, तो इसको जो है वो संवेदनशीलता का। तो अभी इसको हमने परंपरा में सर्वोपरि मूल्यवान माना, इसको अल्टीमेट माना। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है तो जागृति जो है वो संवेदनशीलता से आगे की चीज, इसको संज्ञानशीलता या संज्ञानीयता शब्द भी जो है मध्यस्थ दर्शन में बार बार आदरणीय नागराज ने यूज किया है कि जब तक, और ये इसको
राजीव भाई पूछ रहे थे शुरू में कि भाई मैं अपनी जर्नी में बता भी थोड़ा सा शेयर करूं, तो मुझे अपनी जर्नी में जब देखता हूं तो मैं भी अपने में ये क्लियरली देख पाता हूं, बिल्कुल क्लियरली, और आप भी अपने में देखिए कि मैं जब पहली बार शिविर किया है, मध्य दर्शन का कंटेंट मेरे सामने आया 50 साल की उम्र के आसपास, तो दूसरों का मैं ध्यान रखता हूं, है ना, मदद करता हूं, जिस तरह से अभी हमने कहा इसको ही हम अच्छा मानते थे, मैं तो कम से कम इसी को अच्छा मानता था, ठीक है। इससे आगे मतलब समझदार होना कुछ जिंदगी का एक कार्यक्रम है जो संवेदनशीलता से भी बेहतर चीज है, ये अपने आप में बिल्कुल भी क्लेरिटी नहीं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो है वो समझदार होना जो है वो अल्टीमेट काम, तो समझदारी होना का उसमें मूल्य समझ में आते हैं और फिर हम मूल्यांकन भी कर पाते हैं। जैसे ना एक कई बार मेरा ध्यान जाता है कि हल्का फुल्का सा कुछ कुछ चीजों की तरफ जो है वो परंपरा में इशारा करने की कोशिश की गई है। एक एक कहावत बनी हुई थी कि इंग्लिश में शायद कहते हैं कि डू नॉट गिव ए फिश टू ए हंग्री मैन, है ना, टीच हिम फिशिंग, चाइनीज कहावत है, चाइनीज होगी, तो इस तरह का कुछ कुछ बना हुआ है कि भैया एक भूखे आदमी को खाना मत दो, या खाना देना है तो दे दो, अभी कम से कम जिंदा तो रहे शायद, लेकिन खाना प्रोक्योर कैसे करना है, अगर वो तो मतलब अगर वो फिश खाता है तो फिशिंग कैसे करनी है, अगर वो खेती करता है तो खेती कैसे करनी है, उसको ये सिखा दो ताकि वो खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं इनकी भी अब हम ना थोड़ा सा इनका अधूरापन भी देख पाते हैं कि अभी भी फिशिंग भी सिखा दी या खेती भी सिखा दी तो ध्यान तो शरीर का ही रख पाएगा, है ना। तो शरीर का ध्यान रखना जो है वो 4.5 क्रिया तक ही आता है, शरीर का ध्यान पशु पक्षी भी रखते हैं, इसीलिए कहा ये जो इस पैराग्राफ के शुरू में कि संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है, जो अल्टीमेट है, वो जीव संसार में पूरा हो जाता है। तो आदमी को शरीर का ध्यान रखने के अलावा कुछ और करना था, वो क्या करना था जो ज्ञानावस्था की कही है, तो वो जागृत होना है, समझदार होना है, संज्ञानीयता जो है ना, समझदारी जो है ये अपने आप में पर्पस जो है वो इसका, इसको बार बार कह रहे हैं। संवेदनशीलता बुरी चीज नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे कि संवेदनशील नहीं होना है, लेकिन संवेदनशीलता ही मेरा अल्टीमेट गोल है ये एक अधूरी सी बात, इस तरफ ध्यान जाए, सब इसको अपने में एक्सप्लोर करें। अंशु भाई कुछ कहना चाहिए? जी भाई साहब, तो संज्ञानशीलता नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता नहीं होना चाहिए ना? नहीं भैया, फिर से कह रहा हूं कि संवेदनशील भी होना है, लेकिन संवेदनशील होने से ही मैं तृप्त हो गया ये वाली बात पूरी नहीं है, इतना कह रहा हूं। जैसे जैसे कि हम कहें कि बच्चे को सोचा कि भैया 10वीं पास हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, है ना, फिर एक बात आई कि 10वीं पास होने से बढ़िया नहीं होगा, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, तो अब क्या ग्रेजुएट होना चाहिए तो 10वीं पास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना, तो ग्रेजुएशन का रास्ता 10वीं पास होके ही जाएगा, तो अल्टीमेट जो है वो कहाँ पहुंचना है वो पता हो और फिर पूरे रास्ते का पता हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो संज्ञानीयता है, जो समझदारी है, जो जागृति है, वो अल्टीमेट स्टेप है, संवेदनशीलता उसके रास्ते में एक पड़ाव है। आप संवेदनशील ना हो और जागृत हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, तो मतलब दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे तो लखनऊ आएगा ही, लेकिन लखनऊ आया और कलकत्ता पहुंच गए ऐसा नहीं है, कलकत्ता पहुंचेंगे तो लखनऊ से होते हुए, अब मैं रास्ता नहीं जानता, शायद आता हो शायद ना आता हो लखनऊ, मुझे पूरा मालूम भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा सा अगर मैप को मैं कल्पना में लाऊं तो संवेदनशील होते हुए आगे संज्ञानीयता तक बढ़ना है। एक्चुअल में यही हम लोगों का गैप भी है, अगर हम सब अपने में इसको डीपली एक्सप्लोर करें तो मैं बड़ी क्लियरली देख पाया कि संवेदनशील होते हुए भी, दूसरों का ध्यान रखते हुए भी मैं काफी बार बड़ा
परेशान सा भी रहता था, अपसेट सा भी रहता था, व्यवहार में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता था कि भैया मैं तो इतना अच्छा सोच रहा हूँ, सबके बारे में सोच रहा हूँ, ये दूसरों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। ऐसा होता है कि नहीं होता किसी किसी के, आप में से भी किसी के साथ में होता है क्या? जी भाई साहब, है ना। तो मैं इतना दूसरों के लिए कर रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को रियलाइज नहीं होता। तो ये क्या हुआ, ये संवेदनशीलता के दायरे में आदमी यही फंसा रहता है कि मैं तो दूसरों को सोच रहा हूँ, दूसरे मेरा क्यों नहीं सोच रहे, या दूसरों को समझ में क्यों नहीं आ रही है, मैं तो समझदार हूं। तो ये संवेदनशीलता समझदारी नहीं है, यहां पर बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं। तो समझदारी में फिर मैं अपनी स्थिति भी देख पाता हूँ और दूसरों को भी देख पाता हूँ। अब मैं देख पाता हूं अपने में कि संवेदनशीलता में तृप्ति नहीं है, है ना। संवेदनशीलता में भले जिसको हम निरंतर सुख की बात कहते हैं वो नहीं हो पाता है ना, कभी सुखी महसूस करता हूं और कई बार या काफी बार दुखी भी महसूस करता हूं सुबह से शाम तक। तो अपनी स्थिति को भी अच्छे से आंकलन कर पाता हूं, ठीक है। तो समझदारी से चीजों को समझ में आता है, फिर अपने पे क्या काम करना है, अपनी स्थिति क्या है, दूसरे पे क्या काम करना है, दूसरे की स्थिति क्या है, इस सब का आंकलन जो है वो हो पाता है। ठीक हुआ इतना? ठीक है। यह जागृति का व्यवहारिक स्वरूप। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया। संवेदनशीलता से जितना करना था मानव जाति ने हजारों साल के इतिहास में उसमें काफी अचीवमेंट्स लिए, काफी उपलब्धियां। जैसे जैसे हम देखते हैं, हम शिविर में डिटेल में इस बारे में बात करते हैं कि काफी सारे पशु पक्षी जो हैं वो लाखों सालों से वैसे ही अपना घर बनाए हुए हैं जैसे जैसे पहले बनाए हुए थे। चिड़िया अभी भी पेड़ में घोंसला वैसा ही बनाती है जैसे लाखों साल पहले बनाती थी, है ना। पशु नदी अभी भी वैसे ही पार करते हैं जैसे लाखों साल पहले पार करते थे। तो मानव ने क्या किया कि मानव को लगा कि भैया इस तरह से घर जैसे होता है गुफा में रहने से, भैया घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, भैया वो मौसम खराब होता है, इन सबको तकलीफ होती है, कभी कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कभी किसी का मतलब तकलीफ ज्यादा भी बढ़ जाती है, तो इसका कुछ करना है। तो मानव ने जो है ना शरीर का ध्यान रखते हुए कल्पनाशीलता को लगाया और अच्छे अच्छे पक्के घर बना लिए, है ना। कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है, तो हम लोगों ने, मानव जाति ने एयर कंडीशनर्स और हीटर्स भी बना लिए ना। पशु नदी पार करते हैं तो मतलब वहां पे भी कई बारी जो है वो बड़ी बड़ी नदियां वगैरह जो है वो उनको पार करने में मुश्किल होती है, मगरमच्छ वगैरह भी होता है, डूबने का खतरा रहता है, लेकिन पशुओं को और कुछ समझ में नहीं आया, मानव ने किश्ती बना ली, मानव ने पुल बना लिए। तो ये सब क्या हुआ, शरीर को बनाए रखा जाए, शरीर का ध्यान रखा जाए, तो इसको संवेदनशीलता कहते हैं। तो संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो भी आगे कर लेंगे। इसमें हमको मानव का प्रोग्रेस दिखता है। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं वे मानव को छोड़कर, बाकी संसार है, बाकी तीनों जो अवस्थाएं हैं वो हमारा इसके लिए रॉ मटेरियल है, वो इसके लिए हमारा रॉ मटेरियल। तो जिसमें जीव वनस्पति और पदार्थ संसार है, मतलब ये जीवावस्था प्राणावस्था और पदार्थ अवस्था, इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया आप सबको विदित है, ये आप सब जानते ही हैं, हम सब जानते ही हैं। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए हैं ये भी विदित है, ये भी हम जानते ही हैं। हम ये सब विफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन तो। तो जब भी कोई सफलता प्राप्त करते हुए असफलता भी लगती है, किसी को विफल भी होते हुए देख रहे हैं तो असंतुलन होता है, ये बाबा जी अब ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है उसमें धरती तंग आ गई है, ये जितना रिसोर्स डिप्लीशन और जिसको हम कहें कि पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर और वाटर शॉर्टेज और है ना, ये सारी चीजें जो है ये सब क्या है, इसी को बाबा जी कह रहे हैं कि इसमें धरती तंग आ गई है। ये क्यों तंग आ गई है, क्योंकि मानव ने सुविधा संग्रह पे जो काम किया है तो एक तरफ सफलता करते हुए दूसरी तरफ जो है वो धरती तंग आ गई, अब रहना तो धरती पे ही है तो आदमी रहेगा कैसे,
अब ये समझ में नहीं आ रहा है। ये काफी साइंटिस्ट कह ही रहे हैं कि पता नहीं 50 साल, पता नहीं 100 साल, ये जो है अगर आप लोगों ने मानव जाति ने मिलजुल के कुछ ठीक से नहीं किया तो धरती जो है उसमें मानव जाति मिट जाएगी। तो लाखों साल से मानव जाति इस धरती पर थी और हमने जो अपनी सफलताएं हासिल की उससे अपने ही अस्तित्व को मिटाने के कगार तक पहुंच, ऐसा बाबा जी ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। तो इसी को असंतुलन कह रहे हैं। तो जब तक जागृति नहीं होती, जब तक समझदारी नहीं होती, तब तक हम जो भी करते हैं वो इवेंचुअली असंतुलन की तरफ ही लेकर जाता है। ये बाबा जी बार बार जो है वो ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, इसके ऊपर बातचीत हो ही रही है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो अपराध विहीन विधि समझ में नहीं आएगी तो भी काम नहीं चलेगा। जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो तो ठीक क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो ठीक क्या है, वो अपराध विहीन विधि ही कोई होगी वही ठीक होगा, तभी ये वाला जो धरती के साथ अपराध हो रहा है ये रुके। उसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बातें हैं किए हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता, इसमें डूबने की ही जगह। तो अभी जितनी भी बातचीत हो रही है, अगर हम भी देखें सारे प्रश्न हमारे कानों में भी पड़ते रहते हैं, फिर भी क्या हम अपने क्लासरूम में और अपने घर के बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो हम अच्छा पैकेज और अच्छी सुविधाओं की तरफ उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ईमानदारी से देखें सब अपने। तो सुखी होने के लिए सुख सुविधाओं को ही, मतलब ये सुविधा संग्रह ही करना है, ये वाली चीज जो है ये अभी भी चल रही है। तो प्रश्न भी बने हुए हैं लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर नहीं है। तो फिर ऐसे में हम भी जो है वो जैसा चल रहा है उसी फ्लो में हम भी लगे हुए हैं, सब अपने अपने में। इसको बड़ी कठोर समीक्षा कर ही सकते हैं। इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है ना, ये जो प्रिवेलिंग तरीका है उसमें यही सब कुछ हो रहा है। धरती को भी तंग कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, और मानव एक दूसरे को भी तंग कर रहे हैं। ये फिर सुविधाओं के लिए ही और मटेरियल के लिए ही जो है छीना झपटी होती रहती है, सारा शोषण उसी लिए हो रहा है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिलकर कोई सभा बना दिए, उसका नाम दिया UNO, उसमें बहुत सम्मेलन हुए, आज तक यह निर्णय नहीं हो पा रहा कि सामरिक शक्ति, मतलब जो जिसको कि क्या कहें कि वॉरफेयर के इक्विपमेंट जो है, युद्ध के जो है ना जो शक्ति ताकतें हैं, इसका अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना? युद्ध होना चाहिए, समर होना चाहिए, मतलब युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो अभी तक सेटल नहीं हो पाई। तो कहने के लिए तो है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध ना हो ऐसा कोई मॉडल हमारे पास में नहीं है। रोज के अखबार उठाए तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पर कभी ना, नाम लेने की भी जरूरत नहीं, हम सब देखते ही हैं देशों के बीच में झगड़े जो है वो है, अलग अलग देशों के नाम आते ही हैं, हमारा भी अपने पड़ोसी देशों के साथ में याद नाम आता है ना। तो युद्ध वाला जो है वो माहौल जो है वो घबराहट जो है, रोज ही कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है, और सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में जो है वो अलग अलग देशों में चल रहा है। तो UNO को भी बने हुए 50 साल हो गए, 50 से ज्यादा साल हो गए, तो अभी तक भी जो है वो मतलब जो है ये समीक्षा की जाए कि भैया ये भी क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये कह रहे हैं अभी कि ये करने वाला काम। तो इस तरह से शिक्षा के लिए हर वर्ष 4 बार समीक्षा होती है। ये बाबा जी मोस्टली जो है ना वो बच्चों के 4 बार एग्जाम होते हैं ना स्कूल में, उसकी बात कर रहे हैं कि भाई हमारे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे को याद है कि 1 सितंबर में, दिसंबर में, फरवरी में, अप्रैल में, ऐसे करके 4 बार एग्जाम होते थे। तो शिक्षा के लिए हर वर्ष 4 बार एग्जाम्स होते हैं, तो उसी पे विचार होता रहता है, उसी की समीक्षा होती रहती है। आज तक यह तय नहीं हुआ है कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या है, कि मानव शिक्षा पूरी कर ले और समझदार हो जाए और निरंतर सुख के साथ में जी पाए, संतुलित रूप से जी पाए, इस धरती पे संतुलन बन पाए, ये वाली शिक्षा का कॉन्टेंट जो है नहीं। तो हमने काफी इंस्टीट्यूशंस बनाए, इस तरफ बाबा जी डिस्कशन को लाके समीक्षा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी वर्ल्ड बॉडी बने जो कि हमको एक युद्ध विहीन स्थिति तक धरती को ला पाए, लेकिन हमने
एक ऐसी बॉडी तो बना दी, ऑर्गेनाइजेशन तो बना दी, लेकिन जो करना था वो तो नहीं हुआ। इसी तरह से एजुकेशन की जरूरत है ये समझ में आए, तो हर देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में सुखद शिक्षा का कॉन्टेंट क्या होना चाहिए ये भी जरूरत। इतनी बात जो है ये हमने पिछला डेढ़ पेज जो है वो पढ़ा तो उसमें से निकल कर आया। इतने में आप में से किसी के कुछ और ध्यान गया हो, कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो आके भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। भैया मेरा एक ध्यान गया। हाँ जी हेलो। जैसे आपने बताया कि पर्पस पहचानना, तो मतलब जीवन की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए पर्पस पहचानना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया। कि अगर हम किसी चीज के पर्पस को पहचान पाते हैं, उसको उस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं, तो जीवन के लिए जल्द एक्टिवेट होएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है मुझको। बिल्कुल। तो ये पर्पस जो है वो आदमी को अपना भी पर्पस पता चले, है ना, सब चीज का पर्पस पता चले, तो फिर मुझे क्या करना है ये भी पता चलता है, वस्तुओं का क्या करना है ये भी पता चलता है। और ये पता नहीं चलता तो भी आदमी को एक थोड़ा सा ऐसा फील आता है यार, वस्तु होने से अच्छा लगता है, तो फिर आदमी वस्तु सुविधा संग्रह में लग जाता है। ये जितने विकसित देश है उन सब ने भी यही किया, जिनको हम विकसित देश के रूप में पहचानते हैं वो सुविधा संग्रह में ही लगे, उनका जीडीपी या पर कैपिटा इनकम के आधार पर ही हम उनको उनको जो है वो विकसित देश के रूप में पहचानते। और किसी साथी का कुछ ध्यान क्या हो, नहीं तो एक काम करते हैं फिर आगे के भी दो पैराग्राफ पढ़ लें, और कोई साथी पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं तो राजीव भाई तो उपलब्ध है ही। एक बार अवसर दे दें सबको 5-10 सेकंड के, है ना, कोई और पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़ें। पढ़ूं मैं? पढ़ूं मैं? हाँ 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 पढ़िए ना भैया। बचपन में मैंने वेद विचारों का अध्ययन किया है कि हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है, न्याय पाने की आवश्यकता उनमें रहती है, सत्य वक्ता होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है, तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाएगा। इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं और ना पहुंच सकेगा। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थाएं, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा इस एक विधि से ही जीना होगा, और वह है मानवतापूर्ण आचरण, मूल्य मूल्यांकन। इसका संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से ही है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है, ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है, उससे पहचान निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है, बिना प्रयोजन के जानने मानने पहचानने निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, इसी कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा में रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए यह प्रस्ताव है। आगे पढ़ने का। हाँ जी ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं है, काफी सिंपल ही है, तो ये पढ़ लेते हैं फिर बात भी करते हैं। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ ना कि संज्ञानता पूर्वक जीता हुआ, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है कि इसको हम दूसरी भाषा में कहें जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से, यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं, जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें
हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार है, हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से व्यवहारित होता हो सकता है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, तो काफी सिंपल सा है, तो मुझे लग रहा है कि हम एक बार बस इसको मतलब देख लेते हैं। ये बाबा जी कह रहे हैं कि बचपन से मैंने वेद विचारों का अध्ययन किया, घर में उनके वेद के पारंगत सभी थे ही, इनके बुजुर्ग बड़े, तो इनका आदरणीय नागराज जी का फिर धीरे से इस तरफ जो है वो ध्यान गया, जिसको फिर मध्यस्थ दशा में लिखा भी है कि हर मानव संतान सही करना चाहता है, सही करने का इच्छुक रहता है ना, न्याय पाने की आवश्यकता उनमें रहती है और सत्य वक्ता होता है। तो ये इसमें शिविर में आदरणीय नागराज जी ने बोलने में ये वाली भाषा आई, इसी को जो है वो थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं तो इसका हम विश्लेषण भी कर पाते हैं कि ये चाहता है लेकिन गैप्स कहाँ पर है। हर मानव सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, ये समझ में आता है हमको, लेकिन सही गलत क्या है ये पता नहीं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, तो हर मानव सही करने का इच्छुक है, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसकी स्पष्टता नहीं है। इसको भी भैया सब लोग जो है ना वो अपने में एक्सप्लोर करके देखें, सुबह से शाम तक की घटनाओं में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने संबंधों में जितनी भी बार सुबह से शाम तक बातचीत हो रही है, कितनी बार इस चीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मुझे कुछ सही लग रहा होता है और साथ वाले को कुछ और सही लग रहा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो बड़ा क्लियरली पता चलता है कि अभी हम जिन लोगों के साथ में गहरे संबंध में जी रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, या मित्र संबंध भी हैं, कोलीग्स भी हैं, रोज मिलते हैं, वहां पर भी सही गलत क्या है इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा। तो मानव बचपन से ही, बच्चे हर संतान ही जो है वो बालक जो है वो बचपन से ही सही करने का इच्छुक है, सही गलत का पता नहीं। ठीक है, वो चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, है ना, उसमें न्याय पाने की आवश्यकता बनी रहे। ये दूसरा पॉइंट हुआ कि वो चाहता है कि उसके साथ में न्याय हो, लेकिन जब ये खुद करने जाता है तो न्याय नहीं कर पाता है। इसीलिए हमसे भी लोगों को शिकायत रहती, शिकायत का मतलब ये है भैया तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ में। लोगों को अगर हम अब बिल्कुल गहराई से देखें, मैं बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ कि सबके साथ ही ऐसा होता है कि नहीं होता, कोई बोलो तो सही। जी भाई साहब, जी जी जी, ठीक है, तो मेरे साथ में न्याय हो ये हर मानव संतान में बना रहता है, लेकिन मैं न्याय कर पाऊं ये योग्यता नहीं है। और फिर तीसरा है कि सत्य वक्ता होता है ना, तो जो जैसा सत्य समझता है वैसा बोलना चाहता है, लेकिन सत्य क्या है ये पता नहीं है। तो सत्य वक्ता होता है लेकिन सत्य क्या है ये पता नहीं है। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये बाबा जी ने बार बार मध्यस्थ दर्शन में इस तरफ ध्यान दिलाया है कि सही करने का इच्छुक है लेकिन सही गलत का पता नहीं है, न्याय मेरे साथ में न्याय हो ये उसकी चाहना है लेकिन न्याय करने की योग्यता नहीं है, और सत्य वक्ता होता है लेकिन सत्य बोध नहीं। तो एक्चुअल में शिक्षा में करना क्या था कि मानव को सही गलत का पता चल जाए, उसमें न्याय करने की योग्यता आ जाए और उसे सत्य बोध हो जाए, ये तीन काम जो थे वो कर देते, क्योंकि ये यूनिवर्सल एस्पिरेशंस है। तो शिक्षा में इन चीजों को इंक्लूड करने की आवश्यकता है, सही गलत का पता चल जाए, न्याय करने की योग्यता आ जाए और सत्य बोध हो जाए, ये तीनों चीज शिक्षा में आने की जरूरत। तो फिर बाबा जी इलेबोरेट कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं झूठ बोले बिना नहीं रह जाता। और काफी सारी तो मैं देखा भैया पढ़ाई वगैरह भी जो है ना वो काफी अमानवीयता की तरफ लेकर
जाती है। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी काम किया और काफी पढ़े लिखे MBA और नॉन MBA वगैरह लेजन एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन सबका काम किया, किस तरह से मिलजुल कर ऐसा 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 जो है ना जुगाड़बाजी की जाए कि हमारा और हमारी कंपनी का फायदा हो जाए, ठीक है, कैसे सेटिंग की जाए, ये सब सेटिंग वगैरह में पीछे अच्छे से झूठ बोला जाता है, अच्छे से अन्याय होता है और अच्छे से गलतियां होती। तो तमाम अच्छी अच्छी पढ़ाई करने के बाद में काफी सारे मैं प्रोफेशंस भी ऐसे देखता हूँ, है ना, उन सारे प्रोफेशंस में मतलब वो बिल्कुल खुल के ही ऐसा कहा जाता है भैया सही गलत वगैरह को छोड़ो, हमें तो अपना काम जो है वो करना है, अपने में एक्सप्लोर करके देखिए आप भी, आपको कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस जो है वो दिखते हैं अपने आसपास, है ना। तो काफी कुछ जो है वो ऐसा दिखता है कि ये झूठ बोलने को ऐसा कहते भाई ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बनो, ये वाली चीज जो है हमको। तो व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ है, शिक्षा में भी सच्चाई उभर कर नहीं आ रही है, इस ढंग से आदमी कहाँ जाए। तो इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर उसी के अनुसार व्यवहार दिनचर्या को बनाता है, मजबूर सा हो जाता है। तो ये काफी बार मैं ऐसा देख पाया कि ये जो भी हम संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, तो ये जो संवेदनशील आदमी है, ये संवेदनशील आदमी काफी अपने आप को मजबूर सा पाता है, बाध्य सा पाता है, बंधा हुआ सा पाता है। संवेदनशील होके भी आदमी सुखी होना चाहता था, तो संवेदनशीलता के बावजूद भी सुखी नहीं हो पाता, फिर आदमी कई बार फ्रस्ट्रेशन में संवेदनहीन भी हो जाता है, फिर संवेदनहीन होके भी अपने को अच्छा नहीं लगता। संवेदनहीन और संवेदनशील में कहीं पे गाड़ी चलती नहीं है, या मेरी तो नहीं चली, कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ। आप सब अपने अपने में भी इसको एक्सप्लोर करके देखें। तो पिछले 7-8 साल से धीरे से पता चला भैया इस कंटेंट से मैंने जितनी जर्नी अभी तक कर ली थी संवेदनशीलता तक पहुंचने की, वो तो बड़ी अच्छी थी, आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन से आदरणीय नागराज जी ने हमको बड़ी स्पष्टता से आगे का रास्ता दिखा दिया, वो आगे के रास्ते को समझना कैसे है वो भी पता चल गया, अब मेहनत हमने खुद कर दी। हाँ जी अंशु भाई, भाई साहब संवेदनशीलता को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो हम समाज के सॉफ्ट टारगेट नहीं बन जाते हैं क्या? छोड़ करके बढ़ते हैं आगे, संवेदनशीलता को हम छोड़ते हैं तो आज के समाज में कैसे जिएंगे भाई साहब? भैया आपका ना बार बार अभी वो भाषा ऐसी बन रही है कि आगे बढ़ने के लिए संवेदनशीलता को छोड़ना है, तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए संवेदनशीलता को छोड़ना है। अच्छा अच्छा, जैसे 10वीं पढ़ने के बाद में ग्रेजुएशन तक जाना है तो अब क्या 10वीं की पढ़ाई छोड़ देनी है या भूल जाना है? नहीं नहीं, है ना, तो ये इस पे टिका जाए थोड़ा सा कि संवेदनशीलता से आगे की यात्रा है, ठीक है। तो संवेदनशीलता रखे हुए भी जो अधूरापन था उसको पूरा करना है। पता नहीं वो आप जब बोलते हैं तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है कि भैया अब आगे बढ़ना है तो अब संवेदनशीलता को छोड़ दिया जाए, है ना। तो आगे बढ़ने का हमेशा रास्ता जो है भैया वो ऐसा ही रहता है, जैसे आप प्राइमरी में बच्चे को ABC पढ़ाते हैं, फिर उसको जब मिडिल स्कूल में जाता है तो लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग सिखाते हैं। तो जब लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग सिखाते हैं तो क्या ABC भूल जाए ऐसा कहते हैं? नहीं नहीं, है ना, तो ABC जो है वही उसका उसका आधार है, उससे वो आगे बढ़ता है, फिर उससे और आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से संवेदनशीलता भी आधार है समझदारी का, ये कह रहे हैं यहाँ पर। संवेदनशीलता अपने आप में अल्टीमेट पर्पस नहीं था ये कह रहे हैं, और इसको हम सब अपने में जितना बारीकी से वेरीफाई करेंगे उतना हमारे को ये स्पष्ट होगा कि संवेदनशील होते हुए भी हमें ठीक नहीं लग रहा था, पूरी नहीं पड़ रही थी, ऐसा होता है कि नहीं होता? बल्कि भैया कई बार ऐसा लगता है संवेदनशील आदमी सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, जो भैया करना चाह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं भैया, क्योंकि हम वातावरण ही ऐसा बनाए हैं कि झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। सही बात है भैया, मेरे साथ में जिंदगी में बहुत बड़ी 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 समस्याएं इस तरह से हुई है, मेरे को बेसिकली झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता जी भैया, ठीक है। तो जब भी मैं मजबूरी में भी झूठ बोलता हूँ बाद में अपने अंदर डिस्टर्ब ही रहता हूँ, है ना। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता होगा, अपने में जांच होता भैया, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भैया
जो हमको सही जीना बताया गया उसके अनुसार हम जी नहीं पाते, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये फिर अपने अंदर अतृप्ति बनी रहती है। तो यहाँ पर हम अटके हुए हैं, अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद इससे आगे का रास्ता हमको नहीं मिला। जैसे मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ भैया, हाँ जी, कई बार जैसे हमारे प्रिंसिपल सर है जो क्या वो इतने टेक्नो फ्रेंड नहीं है, तो वो कोई काम आता है, कोई ईमेल करना होता है, तो मेरे पास मतलब सर केशव जी यार ये करो, है ना, तो हम कर देते हैं। बाद में उनके पास में जब भी कोई काम आता है या किसी भी तरह का है तो वो लाते जाते हैं, ये भी काम कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। उससे फिर ऐसा लगता है कि काम बहुत अधिकता हो जाते हैं, जिससे हमारा जो मेन टीचिंग का काम होता है वो पीछे छूट जाता है। फिर वही आदमी कहते हैं यार आपने टीचिंग पूरा नहीं, इसमें पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि वो क्लास छुटा करके, क्लास छोड़ करके उनका ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि चलो संवेदनशीलता के कारण चलो आदमी को नहीं आता, अपन मदद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हुआ भैया, आप संवेदनशीलता के दायरे में ही अपने किसी मित्र का या सीनियर का या प्रिंसिपल का हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प कर करते आपका मेन काम छूटना शुरू हो जाता है, या मेन काम ना भी छूटे वो आपको रात 10 बजे तक स्कूल में ही बैठाए रखे, भैया ये भी ईमेल भेज दो, ये भी ईमेल भेज दो, तो घर भी छूट जाता है, तो घर के साथ भी एक न्याय करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। तो फिर आदमी थोड़ा आदमी बहानेबाजी मारना शुरू करता है, कन्नी काटना शुरू करता है। अब क्या हो गया, अब आप संवेदनहीन हो गए, अब आपके मन में अब चल क्या रहा है, अब प्रिंसिपल साहब ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ही देखो मैं भी कब तक आपकी मदद करूंगा, है ना, यही अपने में भाव आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कई बार वही आ रहा है ना कि कितना करूंगा मैं आपका। जी 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 जी, लेकिन कई बार होता है ना संवेदनशीलता के कारण फिर शोषण होना शुरू हो जाता है। वही तो भैया, संवेदनशीलता से जीना भी पूरा नहीं पड़ता, पूरा तो नहीं अच्छा पड़ता, भाव होते हुए भी मैं करूं क्या इसकी स्पष्टता नहीं होती जी, है ना, तो इसलिए वो परेशान से रहे, अब उनका काम भी नहीं हो रहा, वो देख के भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अच्छा उनके काम में ही डूब जाऊं तो मेरे सारे काम छूट जाए, ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो करूं क्या जी जी। ये बड़े अच्छे से आप देखो, आप जितना ध्यान आकर्षण जाता है ना इस तरफ, ये कि संवेदनशीलता में भी आदमी की पूरी नहीं पड़ रही है, मतलब कभी लगता है मेरा शोषण हो रहा है, कभी लगता है कि मेरे दूसरे इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं कर पा रहा मैं, वो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो ये जो है, यही बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि संवेदनशीलता में मानव का जीना पूरा नहीं पड़ता है, बस इतनी सी बात। ठीक बात, बढ़िया, बहुत अच्छा है काम, बहुत अच्छा है काम। तो इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य हो जाता है, अपनी दिनचर्या बनाता है, किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पड़े हैं, और इस संकट से हम छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, इसको संज्ञानशीलता कहते हैं। अब है ना, तो संवेदनशीलता से आगे का एक स्टेप है, उसको संज्ञानशीलता कह रहे हैं। यह जब भी होगा एक ही विधि से होगा, और वो होगा मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में भी संवेदनशीलता बनी ही रहेगी, लेकिन संवेदनशीलता से भी आगे कुछ है वो क्लियर होता है। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सहस्तित्व सहज विधि से है, इसके लिए हमको आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है, ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को खंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है, उससे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है, है ना। तो जानना मानना वाले के ऊपर फोकस जाएगा, जानना मानना प्रयोजन का होता है, बिना प्रयोजन के जाने माने पहचानने निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। तो अभी ये जानने वाला काम जो है ना, ये छूटा हुआ है, तो जानना मानना वाला काम जो है ये होगा, तो फिर पहचानना निर्वाह भी साथ में अलाइंड होगा, हारमोनियसली होगा, नहीं तो उसमें भटकाव बना रहता। जैसे जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जान, जैसे जैसे मतलब ये फॉर एग्जाम्पल, हम धरती के संबंध में, धरती के साथ हमारा एक संबंध है, उसमें भी हम प्रयोजन को जानने में चूक गए कि इस धरती का पर्पस क्या था। इस धरती का कोई पर्पस है, वो पर्पस क्या है, वो पर्पस हमको नहीं समझ में आया, तो हमने ऐसा मान लिया, जाना नहीं, ऐसा मान लिया कि धरती में जितना भी ये पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सुविधा संग्रह के लिए हैं, ये इंद्रिय सुख के लिए है, और ऐसा मान के मानव जाति में जीना शुरू कर दिया।
तो पर्पस को नहीं पहचानना, ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि ये सब कुछ इंद्रिय सुख के लिए है। इसी कारण धरती बर्बाद होने की स्थिति चुक, यही आगे कह रहे हैं, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का बट्टा बैठा दिया, सब कुछ खराब कर दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, क्या किया जाए, उस सब के लिए यह प्रस्ताव है मध्यस्थ शब्द का। ठीक है, तो प्रयोजन जो है धरती के साथ, धरती का भी प्रयोजन नहीं समझे, टेक्नोलॉजी का प्रयोजन नहीं समझे, दूरगमन का, कार का, हवाई जहाज का प्रयोजन नहीं समझे, सब मजे करने के लिए हमने यूज करना शुरू। बाबा जी ने एक शब्द इस पूरे परिचय शिविर में कहीं पर यूज किया, मजे मारने में आदमी लग गया। ये जो है सारा का सारा, सारा जिसको भी हम उपलब्धियां कहें, वो सारा मजा मारने के लिए मानव ने लगा दिया। भ्रमित मानव होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, तो भ्रमित होने के कारण मानव इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव जिया, ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जिया, है ना। तो जीना संज्ञा, जागृत मानव फिर वो जागृति के आधार पर संज्ञानीयता के लिए, संज्ञानीयता में से के लिए जीता है। भ्रमित मानव जो है वो इंद्रियों में से के लिए जीता है, ये कह रहे हैं। तो ये इंद्रियों से तृप्ति मिली नहीं मानव को, हम सब भी देखें अपने में, हम सब ने भी तो अच्छे से जब बचपन से लेके अब तक सुविधाएं तो हमारे पास में बड़ी ही है, हमारे घर में भी ज्यादा सुविधाएं आई है और वैज्ञानिकों ने भी विश्व में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ये सारी सुविधाएं होने के कारण, इन कारण होने के बावजूद, ये सारा इंद्रिय सुख बढ़ने के बावजूद हमें तृप्ति मिल गई हो, क्या हम ऐसा कह पाते, है ना। तो लगता है यार गैप तो है, अभी भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है, और कुछ छोटा सा नहीं, काफी कुछ बड़ा सा मिसिंग। तो फिर अतृप्त आदमी जो जो करना है वे कर ही देता है, अतृप्ति में फिर आदमी को जो समझ में आता है गलती करता है जैसे भी। तो अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम इतना ही है, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति। तो ये जीवन को 4.5 क्रिया से 10 क्रिया तक क्रियान्वित करना, एक्टिवेट करना, ये जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से, संज्ञानीयता से, संज्ञानशीलता से, यही तृप्ति का नित्य स्वरूप। जीवन कभी मरता नहीं है, जीवन अस्तित्व में कोई किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। जब हम सिर्फ ये कहते हैं कि जीवन नहीं मरता, तो कई बार ऐसा भी सवाल उठता है कि भाई यही हम कह कैसे सकते हैं कि जीवन कभी नहीं मरता। तो इसको ब्रॉड लेवल पे नियम को पकड़ के देखें तो अस्तित्व में किसी भी चीज का नाश नहीं होता, ये वाली चीज ठीक लगती। इतना तो हम साइंस में भी पढ़ाते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जैसे कि अगर मेरे सामने ये कागज पड़ा हुआ है, तो कागज कागज की शेप में नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन कागज जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो परमाणु नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कागज के हम टुकड़े कर दें, कागज को जला दें, ऐसा एग्जांपल इस शिविर में बाबा जी ने दिया भी है, पहले हम पढ़ के आए हैं तो आया भी है कि पत्थर को भी कूट कूट के मिट्टी बना दो, बेशक है ना, कागज को भी जला दो, पत्ते को भी जला दो, मूल वस्तु का नाश नहीं होता है ना। परमाणु कभी मरता नहीं, पिंड जो है उनकी, ये जो बॉडीज हैं, बॉडीज मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, उनकी रचना विरचना होती रहती और रचना विरचना भी परस्पर पूरक है, क्योंकि जो पुरानी रचनाएं बनी हुई हैं और नई रचनाएं भी बननी है, तो नई रचनाओं के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, पुरानी रचनाएं विरचित होंगी, फिर से रॉ मटेरियल बनेगा और उससे नई रचनाएं बनेंगी, फिर ये भी कभी विरचित होंगी, फिर ये पदार्थ अवस्था में आ जाएंगी। तो रचना विरचना परस्पर पूरक है, पुरानी वस्तुएं विरचित होती हैं तो नई वस्तुओं के लिए फिर से रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। तो वस्तु की रचना विरचना होती है, मूल वस्तु का, परमाणु का नाश नहीं होता है। तो जीवन भी एक परमाणु ही है, इसका भी नाश नहीं होता है। जब एक बार नियम समझ में आ गया, किसी परमाणु का नाश नहीं होता है, तो जीवन परमाणु का भी नाश नहीं होता है। तो सीधा सा सूत्र निकल कर आया कि जीवन कभी मरता नहीं है।
सिर्फ शरीर को छोड़ देता है। इतनी सी ही बात है। तो जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो वो निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं, पहले बातें हो भी चुकी हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार है, कि समझदारी जो है इट इज एंटाइटलमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। इसको एक सिंपल भाषा में इंग्लिश में बोलें कि समझदारी हर मानव का अधिकार है। एंड जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो स्कूल में आ रहे हैं, ये बड़ों का काम है, जिम्मेदारी है कि उनको उनका अधिकार मिले अगली पीढ़ी को। यही अगली पीढ़ी के साथ में न्याय है। अगली पीढ़ी की अपने से बड़ों से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, कुछ आशाएं रहती हैं। वो अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाए, और उन अपेक्षाओं को पूरे नहीं करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए। फिर यही कहना पड़ेगा कि हमने अगली पीढ़ी के साथ अन्याय किया ना तो हम उनको समझदारी दे पाए। और अगर अगली पीढ़ी, हो सकता है कि 50 साल के बाद में बैठ के हमारे से ऐसी भी उनके मन में शिकायत का भाव होगा, तो भैया समझदारी तो नहीं दे पाए, हमारे हिस्से का हवा पानी भी तुम ही सारा का सारा चौपट कर गए, हमारा जिंदा रहना भी जो है वो आपने संकट में डाल दिया। अगर 50 साल बाद धरती पर जो मानव होंगे वो हमारी पीढ़ी से इस शिकायत के भाव के साथ में होंगे, तो क्या ये गलत, क्या इसको हम गलत कह पाएंगे? ठीक बात भैया, बिल्कुल है ना। तो मतलब उनको समझदार नहीं बना पा रहे, अलग चीज है भैया। उनका पेट्रोल भी हमारी पीढ़ी खत्म कर जाए, उनका पानी भी हमारी पीढ़ी खत्म कर जाए, उनका हवा भी हमारी पीढ़ी खत्म कर जाए, सारा कुछ पॉल्यूट करके उनको देख कर जाए, तो घोर अन्याय। तो जितनी पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है पिछले कुछ दशकों में, उस सबसे ये सारी समस्याएं भी बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक विडंबना है, ये एक डिलेमा है, ये कंफ्यूजन है, इसको देखा जाए। तो चीजें जो है वो ठीक भी शिक्षा से ही होंगी, पेरेंट्स ही ठीक करेंगे और टीचर से ठीक करेंगे, ये जो है इस तरफ हमारा ध्यान। हर व्यक्ति जितनी पढ़ाई बढ़ रही है उतनी नासमझी बढ़ रही भी है। तो अब इस पे देखा जाए कि भैया ये हो क्यों रहा है ना। यही जो है बाबा जी इसको पूरे कंटेंट को हमारे सामने रख रहे हैं। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है। इसको बाबा जी ने कह दिया इसलिए मानना नहीं है, इसको वेरीफाई किया जाए सुबह से शाम तक, देखा जाए कि भैया ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बाबा जी बार बार कह रहे हैं ये एक प्रस्ताव है, ऐसा मेरा सोचना है, आप भी इस पे सोच के अपने निष्कर्ष खुद बनाइए। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है। तो समाधानित होकर ही, समझदार होकर ही हम जो है भावी क्षणों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए हम जो है कुछ कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। इससे हमें भी तृप्ति मिलेगी, इससे आने वाली पीढ़ियों को भी तृप्ति मिलेगी। यही उभय तृप्ति का सूत्र बनता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, हम भी खुश वो भी खुश। ये जो है ये करने लायक काम है। और साथ में खान, इस सब में खाना पीना छोड़ देना ऐसा तो कह ही नहीं रहे हैं। अपना खाना पीना भी चलेगा, कपड़े भी पहनेंगे, गाड़ी भी चलेगी, लेकिन मूल में समझदारी जो है वो उस तरफ ध्यान रहे, व्यवस्था है उस तरफ ध्यान रहे, प्रकृति में संतुलन है उस तरफ ध्यान रहे, इतनी जो है वो बात। तो आज मेरे को लग रहा है कि हम यहाँ पर डिस्कशन को क्लोज कर देंगे 52 पेज के बिल्कुल बॉटम वाले पैराग्राफ से, अगले संडे को शुरू करेंगे। अभी कुछ बातचीत करनी हो, जितनी चर्चा होगी तो कर भी सकते हैं। भैया मुझे दो बातें पकड़ में आई थी और पूछूंगा भी। जो जागृति होना और अनुभव होना क्या एक ही बात है? हाँ जी, एक ही कह सकते हैं भैया। तो इसके अंदर जैसे दो लाइनें आई हैं, मैंने लिखी भी है कि जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। बिल्कुल। और तृप्ति, जीवन में तृप्ति होना ही जागृति है। तो मतलब तो जागृति बिल्कुल, जैसे अगर हम जो भी, अगर हम आप, अगर मैं अपने को तृप्त महसूस करता हूँ तो इसका जागृति हो गई है, ये फील हो, ये तो बस इसमें ना भैया बस एक 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 शब्द मिसिंग है, निरंतर। अभी ना हम सब लोगों को क्षणिक तृप्ति कई बार लगती है, निरंतर सही कह रहे हो, है ना। अभी हम लोगों को क्षणिक तृप्ति कई बार लगती है, कुछ हो गया और मजा आ गया, गरम गुलाब जामुन खा लिए, हाँ
है ना, बच्चा फर्स्ट आ गया, इस महीने बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, है ना, घर घर बना रहे थे, घर पूरा बन गया, आज हवन किया, ग्रह ग्रह प्रवेश किया। और अभी जो हमारी तृप्तियां है ना, वो निरंतर नहीं है, अभी क्षणिक है। मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे अवसरों पे भी देख पाता हूँ कि भैया वो अच्छे अवसर पे भी वो कुछ मिनटों या कुछ घंटों के बाद में फिर से मन मुटाव होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से शिकायत होनी शुरू हो जाती है। तो हम चाहते क्या है, निरंतर तृप्ति, निरंतर सुख, तो वो जागृति के बाद आता है। वही बोला भैया कि जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही, बिल्कुल, जब वो व्यवहार में लगातार ही प्रमाणित होगा तभी तृप्ति होगी। बिल्कुल, बस हाँ, तो बस इतना सा मेरे को लगा, मैं निरंतर शब्द उसमें है। नहीं, सही सही, बढ़िया भैया, ठीक। और बताएं जी भैया, आपके इंग्लिश में भी कुछ शिविर है ना भैया? हाँ भैया, वो कुछ ऐसे कुछ कभी ना साउथ इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फैकल्टी के लिए कुछ शिविर करने थे, तो वहां पर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि शायद हिंदी में पूरा मतलब कितना कम्युनिकेट हो पाएगा, तो मैंने कुछ शिविर इंग्लिश में किए थे साउथ में जाके, उसका एक शिविर का रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो उसका लिंक मिल सकता भैया? आप देव भाई, आप डाल देंगे क्या? जी जी भैया जी, तो 5 एपिसोड्स हैं, 1.5 घंटे के। एक्चुअल में इन्होंने भेजा तो इसलिए कि भैया वहाँ पे इंग्लिश में ही समझ में आएगा, लेकिन जब मैं जाके करना शुरू किया तो पहले दिन के बाद ही पता चल गया कि लोगों काफी लोगों को हिंदी भी आती है। तो मतलब आपको जैसे जैसे शिविर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हिंदी में शिफ्ट सा हो गया, लेकिन शुरुआत इंग्लिश में अच्छे से हुई है। आप एक बार देख के देखिए, जैसे भी आपको अपने किसी और प्रबोधक का भी है भैया इंग्लिश में? अशोक गोपाला जी का भी एक दो है शिविर इंग्लिश के। तो भैया निवेदन रहेगा, अगर मिल जाए तो। देव भाई आप लिंक हैं अशोक गोपाला जी का भी, या ढूंढेंगे? जी जी जी, मिल जाएगा भैया। ठीक, तो भैया कैसे मैं आपको फोन करूं? आपका व्हाट्सएप नहीं, नहीं, आप ये ग्रुप के मेंबर हैं कि नहीं है भैया? जी हाँ है सर। तो इसी ग्रुप में डाल देंगे ना देव भाई? ठीक जी, थैंक यू भैया। भैया समय हो तो एक बात और पूछो। बोलो बोलो भैया। भैया अभी कुछ दिन पहले अनीता दीदी का शिविर, अब क्या है कुछ दिनों से क्या है, वाइफ भी साथ में है, जीवन विद्या का जो परिचय शिविर है वो सुन रही है मैं सब बैठ के, एक घंटा पहले कभी सुना नहीं उन्होंने साथ में, तो कोई नहीं, बढ़िया बात है। हाँ, तो अच्छा लगा मुझे कि चलो कुछ तो साथ में सुनना शुरू हुआ। उन्होंने एक लाइन आई अनीता दीदी की, पहले भी सुनी है मैंने, कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। तो मुझे ये समझ में आ रहा कि पहली लाइन कौन सी होगी, माने हुए को जानना है कि जाने हुए को मानना, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये। दोनों ही साथ साथ चलते हैं भैया, कि जान क्या जानना और क्या मानना, थोड़ा ये समझ नहीं आया। ओके ओके, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वही मैंने पूछा समय हो तो। तो उदाहरण जो है वो कैसे इसको लेंगे, किसी और साथी का ध्यान दिया? उन्होंने बोला था कि कोई आदमी रायपुर का जानता। आज सुबह की एक गोष्ठी से बताया भैया ने, सुरेंद्रपाल भैया ने, जैसे जाने हुए को मान लो, बाबा जी ने जो जाना है ना उसको हम सबको मानना है ना, फिर केवल मानना नहीं है, उसको फिर जानने की प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है, या आज तक जो हम माने हुए हैं क्या वो सही माने हुए हैं, उनको भी जांचना है, उनको जानना है फिर सच्चाई की शर्त में, और बाबा जी ने जो जाना है अनुभव है उसको मान करके हम आगे बढ़ेंगे पहले, है ना, और पहले मानेंगे फिर जानने की प्रक्रिया में रहेंगे हम आगे। तो जाने हुए को मान लेंगे और माने हुए को हम उसको जान लेंगे, ऐसे दोनों कनेक्ट होता आपस में। भैया कुछ टाइम पहले एक बात थोड़ी क्लियर हुई थी, जैसे आस्था और लॉजिक की बात चलती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग आस्था छोड़ दें और सिर्फ तर्क के बेस पे चलें, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि तर्क को छोड़ दें आस्था के बेस पे चलें। देयर इज ऑलवेज अ सैंडविच, हमेशा आस्था से शुरुआत होती है, उसके बाद तर्क आता है, उसके बाद फिर से वो क्लोजर जो होता है वो फिर से आस्था से हो जाता है, क्योंकि आस्था जो है वो एक तरह से इनग्रेन्ड इनग्रीडियंट है ह्यूमन बींग्स का, उसके बिना नहीं चला जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी लास्ट मैंने सोम भाई का शिविर अटेंड किया था, उसमें मेरे को थोड़ी सी ये बात थोड़ी सी हिट हुई थी कि जाने हुए को मान लो का मतलब यही रहेगा, जैसे भैया ने भी बताया कि किसी के प्रति आपकी आस्था की वजह से आपने शुरुआत कर दी, किसी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ कि आप मैं आपको श्रेष्ठ मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मेरे से अधिक ज्ञान है, उस आस्थावश मैंने आपके साथ बातचीत करने की शुरुआत की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे अंदर तर्क है तो मैं आप उस तर्क को इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा।
उसको उसको मैं जांचूंगा परखूंगा, जब मुझे बात आपकी सेटल हो जाएगी तब उसके बाद फिर से मैं अपने अपने उस तर्क को उसको आस्था के साथ क्लोज कर दूंगा कि दिस इज डन नाउ, आई हैव फुल फेथ इन दिस, और ऐसे ही मैं सामने वाले के पास भी बात को ट्रांसफर करूंगा। तो वो दोनों चीजें हमेशा साथ ही चलेंगी, कभी एक भी कोई भी इनमें से मिसिंग रहेगा तो वो अधूरा सा खुद को ही फील होने लग जाता है। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल बढ़िया। और इससे आस्था में भी अपना आस्था बढ़ती है, मजबूत होती है, कम नहीं होती है। जब हम जान के चलते हैं तो आस्थाएं कहीं खंडित नहीं हो जाती है, बल्कि वो और पुष्ट हो जाती है अपने। कितना सुंदर अस्तित्व है, कितना सुंदर चारों अवस्थाएं है ना, बड़ा सुंदर लगती है। फिर तो कृतज्ञता का भाव बढ़ जाता है सबके प्रति। तो मैं भी इसको भी अब साथ साथ सोच रहा था, राजीव भाई का जैसे प्रश्न आया तो काफी सारी चीजें ऐसी रहती है भैया कि हमारा ना रोजमर्रा में उसका अभ्यास तो आ जाता है हमारे मतलब मानने का मतलब उसके लिए ना हमको कुछ डीप थॉट नहीं लगाना पड़ता निर्णय लेने के लिए, लेकिन कभी ना कभी वो डीप थॉट पहले से लगा हुआ था। ऐसा ऐसा जो है जैसे कि कुछ ऐसे ही शरीर मूलक की उदाहरण ले तो कुछ खाने की चीजें जो है वो शरीर के लिए हानिकारक रहती हैं, है ना, मतलब ऐसा ऐसा कहते हैं कि भैया ये वाली चीजें जो है वो नहीं खानी चाहिए। तो कहीं से हम वो जान गए, ठीक है, तो जाना हुआ फिर हमारे व्यवहार में भी आ गया, प्रमाणित भी हो गया। तो जाना हुआ मतलब वो मानने में भी आ गया। एक होता है जानकारी मिली हुई है कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन वो चीज सामने आ जाती है आदमी फिसल जाता है, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो सिर्फ सूचना होना, जानकारी होना, लेकिन फिर तो मानना मतलब क्या हुआ, मानने से यहां पर कह रहे हमारे व्यवहार में वैसा होता है, ठीक है। तो ये देखा जाए कि काफी सारी सूचनाएं हमारे पास में ठीक ठीक है, अच्छी अच्छे रूप में है, मतलब समाज के लेवल पर भी देखें तो युद्ध नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, है ना, समाज में अपराध ना हो, ये सब जानकारी के रूप में है। लेकिन मानव जाति के मानने में ये नहीं आया, क्योंकि ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं। तो मानने का मतलब है कि जी वैसे रहा हूं, और जी कैसे रहा हूं, जानने के आधार पर जी रहा हूं, तो जो सही है उसके आधार पर सहजता से जी पाता हूं, इसको जानने मानने का तृप्ति बिंदु का। अगर जानने और मानने में कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कुछ कर तो रहा हूं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, है ना, उसको उसका तर्क नहीं दे पाता, उसका उसकी समझ पूरी नहीं है, तो अभी जानने वाला पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी मानने में आया हुआ है। और अदरवाइज तर्क वगैरह सारे देता हूँ लेकिन जीते टाइम उल्टा पुल्टा जाता हूँ तो ये कहेंगे कि मानने में भी नहीं आया है, सिर्फ जानने में तो आया ही नहीं है, जानकारी ही है, सिर्फ सूचना है। तो जानने मानने का तृप्ति बिंदु जो है ना, इसको बाबा जी ने जैसे जैसे हम मध्यस्थ दर्शन में पढ़ेंगे इसके ऊपर ये वाला बार बार आता है, जानने मानने का तृप्ति बिंदु। जैसा मैं जानता हूं वैसा मैं जीता हूं और तृप्त होता। तो जब तक हमें तृप्ति नहीं मिली है कहीं ना कहीं पर अभी जानने मानने में गैप है, ये जो है ये इस तरफ इशारा कर। जैसे भैया कई लोग कहते हैं चाय पीना सही नहीं है, तो हम चाय नहीं पीते हो वैसे मान के चलते हैं, फिर मान के अगर जब लगता है कि पता चलता है कि जानना असली है क्या, चाय पीने का नुकसान है या नहीं है, उससे आप जियेंगे। तो ये अभी तो अभी हम ये सारे उदाहरण अभी भी वो शरीर मूलक विधि के ले रहे हैं, बस इस चीज को ही ध्यान में रखना है, ऐसे जहर में तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो ये जो समझने वाला काम है एक्चुअल में ना, वो उसकी तरफ जाएगा, थोड़ा और देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के स्थिर होगा, ठीक है। करें क्लोज करें मीटिंग आज की, ठीक है, बढ़िया भैया आप सब साथी आते हैं हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। अगले संडे को फिर मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते सभी को, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते भैया, नमस्ते, नमस्ते विनाश भाई, नमस्ते भैया, धन्यवाद, नमस्ते जी।